गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक में रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखी गई नमक कहानी की, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन के बाद की उस स्थिति का चित्रण कर रही है कि आज भी सरहद के इस पार और उस पार रहने वाले लोगों के दिल में अपने वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कितना प्रेम है। इस कहानी को प्रकट करने का मुख्य अध्याय है कि सरहद पर खींची गई देखा मिटे और मानव धर्म जिंदा रहे। यहाँ पर सफिया जो एक मुस्लिम पात्र है, सिख बीबी जो एक हिंदू पात्र है, हिंदू पात्र के द्वारा उस मुस्लिम पात्र से, सफिया से जो नमक मंगवाया जाता है, वो उस नमक को लाने के लिए कितना प्रयास करती है, उस प्रयास का चित्रण ही इस कहानी में किया गया है। हमने देखा वो पाकिस्तान जाती है, शेर भर लाहौरी नमक लाती है और उसको लाने के कितने प्रयास करती है, जबकि उसको ये पता है कि नमक लाना गैरकानूनी है। उसको उसके भाई भी समझाते हैं, परंतु वो भावनात्मक रूप से उस नमक को कैसे भी करके यहाँ पर लाना चाहती है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 135। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई, झिरझिरी जानते हो, घबराहट सी जिसे कहते हैं, और उसने एकदम से फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा वो चोरी से नहीं ले जाएगी, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। वो उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद था, दुबला पतला जिस्म था, खिचड़ी बाल थे, आंखों पर ऐनक थी। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने हुए थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तब उस कस्टम अधिकारी ने उन नज़र भरकर उसे गौर से देखा और कहा, बोले फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा और क्या कहने लगे कि मेरा वतन तो दिल्ली। आप देखो, पाकिस्तान में रहते हुए भी वो आज भी किसको वतन मान रहा है, हिंदुस्तान को, दिल्ली को अपना वतन मान रहा है, कि आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। अजीज़ अर्थात प्रियजन। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए, मतलब वो उस घटना की ओर उल्लेख करना चाहती जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जी, तो वो समझ जाता है बात को और उत्तर देता है कि जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। तब सफिया ने हैंड बैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। अब ध्यान रखना, हमेशा कानून ही महत्वपूर्ण नहीं होता, भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती है। वो उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उस नमक को चुपचाप वहाँ से निकलवा देता है। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, अर्थात प्रेम तो कस्टम से इस तरह गुजर जाता है कि कानून देखता रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका ही वतन है और दिल्ली मेरा है। अगर ये भावना सबके मन में आती है तो बाकी सब रफ्तार रफ्तार ठीक हो जाएगा। तब सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत सारे दोस्त थे, भाई थे, रिश्तेदार थे, जो हसरत भरी नज़रों से बहते हुए आंसुओं के साथ, ठंडी सांसों और भिचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ चली। अब अटारी में पाकिस्तान की पुलिस उतर गई और हिंदुस्तान की पुलिस सवार हो गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहां से लाहौर ख़त्म और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ही जमीन थी, एक ही जबान थी।
एक सी सूरतें थी, एक सा लिबास था, लिबास यानी वेशभूषा, एक सा लब लहजा था और एक सा अंदाज था। कालियाँ भी एक ही सी थी जिसमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी, क्योंकि वो प्रेम का भाव खत्म हो चुका था और सरहद पर खींची रेखा ने दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति मेल भर दिया था। अब अमृतसर पहुंचिए। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो वो उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से क्या लगते थे, बंगाली लगते थे, और कहा कि देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वो पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते हुए झिझकते हुए हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते और गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोले, इधर आइए जरा। अब देखिए वो भयभीत होती है परंतु वास्तव में वो भय का कारण नहीं था, वो उसको चाय पिलाकर उसका सम्मान करना चाहते थे, क्योंकि ये एक प्रेम के वशीभूत होकर के कितना बड़ा खतरा मोल लेकर के वो नमक वहाँ से लेकर के आई और उसने ईमानदारी बनाए रखी और वो नमक उनको दिखा दिएगा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई, वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। तब सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। अब जैसे पुलिस वाले को इशारा किया तो सफिया के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी कि अब क्या होगा। दो चाय लाओ अच्छी वाली, पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला पेज खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शब्द क्या थे? शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? तो वो कहता है हाँ मेरा वतन ढाका है। अब देखो इसका वतन कौन सा हो गया? ढाका। वहाँ वाले का वतन क्या हो गया? दिल्ली। यहाँ किसी की बीवी का क्या हो गया? लाहौर। उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया, तो आप यहाँ कब आए? कि जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक एक वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन का मतलब वो पूछती है वतन, तो सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, तो वो बंगाली बाबू कहते हैं कि मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा कि हाँ हाँ ठीक है। सफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले कि वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है। डाब यानी घास होती है, एक तरह की दूब, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उड़ते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। क्यों? क्योंकि वो उसकी भावनाओं का सम्मान कर रहे थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या जो कस्टम के
उस तरफ है। इस प्रकार से देखिए रज्जिया सज्जा जई ने दोनों तरफ रहने वाले लोगों के मनोभावों को, दिल के भावों को, मातृभूमि के प्रति प्रेम को किस तरह से एक भावनात्मक कहानी के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अतः हमें भी इस मानव जीवन में सरहदें नहीं खींचनी चाहिए, रेखाएं नहीं बांटनी चाहिए। हमारा दिल सबके प्रति सम्मान से भरा होना चाहिए, सबके प्रति हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए, हमें कोई बंटवारे का भाव मन में नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद।